और विन स्ट्रीक 6 की चल रही है, 7 की आज हमें करनी है भाई साहब, रिमांड लेना खतरनाक तरीके से। और 260,000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं, सिर्फ 1500 सब्सक्राइबर बचे हैं। दबा दो सब्सक्राइब बटन दबा दो भाई, कुछ और मत दबा देना, और साथ में दबा देना लाइक वाला बटन भी। और अब सीधा स्टार्ट करते हैं रिमांड रूम प्रतियोगिता, और यहाँ पे चालू हो चुका है। और हालात कुछ इस प्रकार है कि ये हमारे बेसिस है, और 39 में 74 स्टार करें अपोनेंट ने, 18 में 40 किए हैं हमने, और मैं अटैक शुरू करूंगा सबसे पहले टाउनल 11 के साथ, और अभी ड्रैगन अटैक, इलेक्ट्रो ड्रैगन करेंगे इसके बाद। बंदों ने कहा था मोगे भाई टाउनल 11 पे इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक सिखाओ, तो इसीलिए मैंने टाउनल 11 की आईडी निकाल लिया, पर क्योंकि इस आईडी के अंदर ऑलरेडी ड्रैगन्स बने हुए थे ना, इसलिए मैं ड्रैगन से अटैक कर रहा हूँ। इसके बाद एकदम सबसे तकड़ा बेस जो होगा ना टाउनल 11 का, उसके ऊपर इलेक्ट्रो ड्रैगन से अटैक करेंगे, ठीक है। यार ड्रैगन ना मेरे को मस्त नहीं लगते, क्योंकि इनके अंदर चेन डैमेज नहीं होता, और मेरे को आदत है चेन डैमेज की। अरे यार ये एयर डिफेंस काहे फंसा रहे हो, एयर स्वीपर एयर डिफेंस निकालने नहीं दे रहा। बस इस एयर डिफेंस की और एयर स्वीपर की टेंशन है, बाकी तो कुछ बचा नहीं है बेस में। तो रेज अभी अपने पास हैं, समस्या कोई होनी नहीं चाहिए। चलो इलेक्ट्रो ड्रैगन आ गया, मेरा चेन डैमेज आ गया, एक इलेक्ट्रो ड्रैगन पहुंच गया है, अब पड़ेगा चेन डैमेज। ये गया और ये गया एयर डिफेंस भी, इसी चेन डैमेज की तो अपने को आदत है। अभी तो खत्म है गाइस ये बेस। अब इसके बाद एकदम सबसे खतरनाक टाउनल 11 के बेस पे इलेक्ट्रो ड्रैगन किया जाएगा, जो सबसे मस्त सबसे ऊपर का सबसे जबरदस्त बेस होगा, एंटी इलेक्ट्रो ड्रैगन उसके ऊपर करेंगे। कई बंदों ने कमेंट किया था मोगी भाई टाउनल 11 पे इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक दिखाओ, अभी दिखाते हैं भाई। ड्रैगन अटैक ही खत्म, इलेक्ट्रो ड्रैगन की बारी है बस। इसके बाद एक बार इनको बस इनस्टार मार लें दो, उसके बाद देखो आप इलेक्ट्रो ड्रैगन कैसे मार्केट में दौड़ेगा। अब लो भाई टाउनल 11 का जो सबसे ऊपर का बेस है ना, ये है नंबर 35 का बेस, और इस बेस को देख लो एक बार जरा, पूरा पक्का एंटी इलेक्ट्रो ड्रैगन बेस है ये, और में टीएच रखा है, और सारी की सारी एक्सबो नहीं, चार में से तीन एक्सबो एयर हैं, एक ही एक्सपो ग्राउंड है बस। बलून्स मैंने थोड़ी देर जानबूझ के लेट उतारे, वरना बलून आगे जाके मर जाते क्योंकि स्टोरेज थी। बलून और इलेक्ट्रो ड्रैगन दोनों एक साथ चलने चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और अपोनेंट की क्वीन पे जब भी इलेक्ट्रो ड्रैगन जाए उसको फ्रीज कर दो, वरना आपके दो तीन इलेक्ट्रो ड्रैगन गिरा देगी वो। इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक में अपोनेंट की क्वीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपका एक इलेक्ट्रो ड्रैगन भी अपोनेंट की क्वीन के ऊपर है ना, तो उसी को रेज मार दो और अपोनेंट की क्वीन को फ्रीज कर दो, क्योंकि अगर वो बच गई ना तो आपका अटैक नहीं बचेगा। फिलहाल ये बेस काफी टक्कर ले गया है, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतनी टक्कर ले पाएगा ये बेस, मेरे को तो यह था कि दो तीन स्पेल स्वैग कर पाएंगे हम, पर अभी लग रहा है कि एक ही स्पेल स्वैग हो पाएगी। इनके पास एबिलिटी है, इनके पास एबिलिटी है, समस्या कोई होनी नहीं है, ये बेस तो खत्म होना ही होना है, पर अच्छा बेस था ये, पूरा एंटी इलेक्ट्रो ड्रैगन टाइप ही था ये, और कोई फर्क नहीं पड़ता। टाउनल 11, 12, 13 तो ऐसे उड़ जाते हैं इलेक्ट्रो ड्रैगन से, 14 भी ऐसे उड़ जाते हैं, टाउनल 15 दिक्कत देता है सिर्फ इलेक्ट्रो ड्रैगन से थोड़ी सी, क्योंकि वहां पे डबल पॉइजन टावर जो है ना बहुत ओपी काम कर देते हैं कई बार, पर उड़ाएंगे टाउनल 15 को भी, टेंशन ना लो आप, बहुत लंबी वो रहा है, एक एक को पकड़ पकड़ के मारेंगे। टाउन हॉल 13 पे अटैक करने का टाइम आ गया गाइस, एक बंदा पीछे से उठ के भागा है अभी, उसके ऊपर ध्यान मत देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोन इनविजिबल और अपनी सुपर आर्चर ब्लिंप वाली आर्मी है, ठीक है, प्लान तो बनाया मैंने, कुछ पता नहीं एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं, प्लान तो बन ही जाता है, एग्जीक्यूट में समस्या हो जाती है बस।
दो ही लावा लेकर आया हूं बस। अरे रेस तो लाया ही नहीं मैं। रेज लाना भूल गया। वैल्यू मिल ही नहीं पाएगी बिना रेज के। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। तो अब क्या करें, मैटर समस्या हो गई है। वॉल ब्रेकर भी नहीं लाया मैं तो। इतनी सारी समस्याएं एक साथ हो गई हैं। एक दो समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं एक साथ हो गई हैं। मतलब समस्याओं की समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं एक साथ। लावा लून चालू ही करना पड़ेगा। बिना स्पेल्स के सारा प्लान बिगड़ गया है। क्वीन को बचाना पड़ेगा, पर बचेगी नहीं क्वीन, मर गई क्वीन। दो बेबी ड्रैगन बचे हैं, 39 सेकंड्स बची हैं। रेज लाना भूल गया मैं, वो वैल्यू नहीं मिल पाई उससे। क्या बोलते हैं उसको, पच्चीस सेकंड में हो पाएगा क्या अटैक क्लियर? मतलब सारा का सारा डिफेंस जो बचा हुआ है, होना तो चाहिए। क्योंकि जो सुपर आर्चर बिलिम थी ना, रेज इन लाया, फ्रिज भर के ले आया मैं। पर चलो भाई साहब, ट्रिपल तब भी हो गया। और भाई साहब अब अटैक करने का टाइम आ गया सीधा टाउन हॉल 15 के ऊपर। नीचे के बेसिस सब छोड़ दिए हैं लौंडा लोग के लिए, अब इसको करते रहेंगे। अपन को करना टाउन हॉल 15, क्योंकि लास्ट टाइम बंदों ने कमेंट में लिखा था मोगी भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक करो, उससे पहले कोई और अटैकर आ गया है। जैसे अटैक पे जाता हूँ कोई और अटैक करने आ जाता है, और ये लिखा है। चलो इसकी बस क्लोन वैल्यू देख लेते हैं। क्लोन में क्योंकि बेस निकल जाएगा, अगर सही से सही जगह पे क्लोन हो गया तो बेस खत्म। रेज पहले मार दिया, रेज बाद में मारनी चाहिए थी वैसे। एक इनविजिबल बची है बस। चलो ड्रैगन आ गया, हो जाना चाहिए ट्रिपल, एक मल्टी टारगेट बचा है बस। चलो इसको भी देखेंगे, अपना अटैक देखते हैं अब, या देख लें क्या इसको, क्या चलो इसको फेल ही करा देते हैं। अटैक तो सही कर रहा है ये, धैर्य जैन भाई साहब, फेल तो नहीं कर देगा। फेल होना तो नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि अपोनेंट का कुछ बचा नहीं ऐसा कोई खास। आरसी निकाल देगी अभी तो, एक दो एयर डिफेंस और एक एयर डिफेंस तो आरसी निकाल देगी। वॉर्डन एबिलिटी इतनी जल्दी क्यों दे दी भाई? स्पेल्स नहीं है इसके पास, आरसी का लेवल भी छोटा ही है इसका, लेवल 9 की आरसी है, कुछ उखाड़ नहीं पा रही है, बस भाला फेंके जा रही है। डिफेंस इसको मिल ही नहीं रहा है, लेकिन डिफेंस के नाम पे कुछ बचा नहीं है तो ये बेस खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने अटैक पे चलते हैं।
नंबर तीन से शुरुआत करेंगे अपन। चलो जी, दर्शकों की खास फरमाइश पे इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक। दो दो रेस्ट आवर है इसके पास। एकदम हैवी डैमेज पड़ेगा रेस्ट आवर की वजह से। टॉर्नेडो के अंदर आर्मी फंसते हुए। मोनोलिथ नहीं आ रहा। आ गया आ गया आ गया। टेस्ला वाला पूरा कंपार्टमेंट बचा हुआ है। किंग क्वीन आरसी की एबिलिटी बची हुई है। किंग की एबिलिटी तो जाने वाली है। अरे इधर इतने सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन भी बचे, इधर ही डाल देता हूं आरसी ताकि इलेक्ट्रो ड्रैगन बच जाए मेरे। इलेक्ट्रो ड्रैगन बचाने में फायदा है और क्वीन को निकालने में फायदा है। क्वीन आ जाएगी। आ गई क्वीन। आ गई तो गाइस बेस भी आ गया समझो। अब ये गई एबिलिटी और ये गया बेस एबिलिटी के साथ में। वॉर विन स्ट्रीक 100 तक पहुंचानी है भाई, और 100 तक पहुंचाने के लिए ट्रिपल तो मारने पड़ेंगे धनाधन, वरना बात कैसे बनेगी। इलेक्ट्रो ड्रैगन निकाल लिया मैंने आपकी वजह से। आर्यन राज भाई साहब आ गए हैं नंबर दो पे अटैक करने के लिए, और ये एक मार रहे हैं क्लोन खतरनाक वाला। फिल्म पहुंचेगी भी इसकी वहां तक। पहुंच तो गई। कितनी वैल्यू निकाल पाएगा। अरे जाइंट बॉम्ब आ गए भाई, बर्बाद हो गया इसकी तो वैल्यू। जिंदगी बर्बाद हो गई गाइस इस अटैक की। जीरो स्टार वन स्टार भी नहीं हो पाएगा ये तो। इसको मैं और देख ही नहीं सकता, बर्दाश्त ही नहीं हो पाएगा मेरे से अटैक अभी। फिल्म फेल हो गई है लोंडे की। अरे एक और अटैक कर रहा है भाटिया भाई साहब, अटैक कर रहे हैं अनुरुद्ध भाटिया। इलेक्ट्रो ड्रैगन लेके आए, टाउन हॉल अभी तक आया नहीं है। स्कैटर लेकिन भाई ने निकाल दिया। फिल्म टाउन हॉल के लिए चल पड़ी है, और ब्लिंप टाउन हॉल निकाल भी देगी, और साथ में तीन बलून को भी निकाल दिया ब्लिंप ने। आरसी बची हुई है, एक फ्रीज और एक इनविजिबल बची हुई है। अरे दो मिनियन भी बचे हुए हैं। ये तो बेस डेड कर दिया यहाँ पे भाटिया भाई साहब ने। एक बंदे का फेल हो गया, एक बंदे ने ट्रिपल मार दिया। इनविजिबल बची है, बेस बचने का कोई चांस नहीं है। आरसी एबिलिटी के अंदर इस बेस को खा जाएगी। तो अपने कितने भी ट्रिपल विरपल हो गए हैं। नंबर तीन उड़ गया, सात उड़ गया और आठ भी उड़ गया। अपोनेंट ने कहा इसे गलती कर रखी है। एक गलती पता क्या, ये वाला बेस देखो नंबर पांच का, और शायद नंबर छह का भी कुछ ऐसा ही बेस है। और आप लोगों को तो पता ही होगा ये वाले बेस मेरे फेवरेट है। फेवरेट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा जब इनके ऊपर मैं अटैक करूंगा। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इस पर डबल पॉइजन है। अगले वाला तो पक्का पिलेगा, पर फिलहाल इसी के ऊपर अटैक करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फेल होएगा तो भी आपको दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। डबल पॉइजन की वजह से थोड़े से फंसने के चांसेस हैं, झूठ क्यों बोलना। टॉर्नेडो बाहर ही मिल गया मोनोलिथ के पास।
उन्होंने लाने देंगे नहीं लाने देंगे ये। चलो चलो चलो, ओ टाउन हॉल नहीं आया। चलो अगली टीम आ गया, टाउन हॉल ही फंस गया था अपना, तो वन स्टार हो जाता ओपी तरीके से भी। बलून्स निकल के आ गए हैं, सिंगल टारगेट से खतरा, बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत लग नहीं रही है मेरे को अभी तक। आर्टलरी भी तो बची हुई है, सिंगल टारगेट वो केबल नहीं है, आर्टलरी तो गई। टाउन हॉल का ही खतरा था मेरे को डबल पॉइजन की वजह से, और वहीं पे सीन हो गया है एकदम हाई परसेंटेज पे जाके दोनों ना हो जाए इस अटैक की। वैसे नहीं होगी, ट्रिपल होगा ये, क्योंकि क्वीन सिंगल टारगेट की पहुंच से दूर चली गई। अब तो सिर्फ जाइंट बॉम्ब इसको रोक सकता है, वरना वो भी नहीं रुकेगा। जाइंट बॉम्ब आ गया, बर्बाद हो गया गाइस। जाइंट बॉम्ब का नाम ले लो, जाइंट बॉम्ब हाजिर। भाटिया भाई साहब एक और अटैक कर रहे हैं, और इसके ऊपर मैं अटैक करने वाला था, और भाटिया भाई साहब ने इसको उड़ा दिया। ये तो 100% उड़ना था, मैं आपको बता ही रहा था अपने साथ, तो जाइंट बॉम्ब का सीन खतरनाक ही हो गया। तो यहां पे काफी सारे बेस उड़ गए हैं, आर्यन राज कर रहा है नंबर 10 पे, और ये कर रहा है इलेक्ट्रो टाइटन। सुपर आर्चर ब्लिंक कर दी है इसने ऑलरेडी, पर टाउन हॉल के सिवा और तो कोई ज्यादा खास वैल्यू नजर ही नहीं आ रही मेरे को जो मिली है इसको। टाउन हॉल एक स्कैटर शॉट मिल गया इसको। वॉल ब्रेकर देखो कितना ओपी तरीके से आके जबरदस्त दीवार तोड़ के दे दी वॉल ब्रेकर ने। कोर के अंदर आर्मी घुस गई है भाई साहब, एक एक करके रिमांड उतर रहा है। सेकेंडों के हिसाब से सारे बेस पेल दे रहेंगे अभी। खत्म सा लग रहा है बेस तो, ये बच जाएगा। अरे ये आइस गोलम इतना लेट क्यों उतार रहा है, क्या कर रहा है, कोई बेनिफिट दे भी रहा है आइस गोलम? मुझे लग रहा है पूरा बेस खत्म हो जाएगा और ये आइस गोलम ऐसे घूमता रह रहेगा। खत्म है गाइस ये बेस भी, डेड है ये बेस भी। नंबर 9 को भी कोई उड़ा दे उससे पहले अपन ही अटैक कर देते हैं नंबर 9 पे, और 97% का बदला भी तो लेना है। बेस देख लेते हैं बेस क्या है। अरे क्या है, छचुंदर सा बेस है ये, इस पे भी क्या ही अटैक करना, और ट्रिपल तो मारनी है क्योंकि वॉर जीतना है। अरे मेरे को लगा मोनोलिथ है ही नहीं इस पे, मोनोलिथ इस तरफ रखा हुआ इसने, टेंशन दे दिया इसने तो एकदम से। पेंशन को पेंशन देनी पड़ेगी हमें। तो भाई बहुत इलेक्ट्रो ड्रैगन भर रखे हैं इसने सीसी में। डबल डबल रेस टावर है टाउन हॉल के पास, उसकी अपने को कोई परवाह नहीं है। परवाह है सिर्फ एक बार टाउन हॉल आने की। टाउन हॉल आ गया, बेस खत्म, बेस खत्म, पैसा हजम। अब बाकी का सारा काम आरसी कर देगी। सिंगल टारगेट निकाल लेगी, और इधर का ये पूरा कंपार्टमेंट मेरे को लग रहा है इलेक्ट्रो ड्रैगन निकाल देंगे, आधा तो निकाल ही दिया है। फ्रीज कर सकते हैं डिफेंस को, लेकिन जानबूझ के कर नहीं रहा, सोच रहा हूँ स्वैग वैग कर देंगे बाद में मौका मिलता है तो। मर जाने देते हैं इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को। ग्राउंड स्केलेटन आके हमारे स्वैग को खराब कर रहे हैं गाइस, और स्पेल तो मैं तब भी नहीं डालूंगा। एक और ग्राउंड स्केलेटन आ गया वापस से, स्पेल तो मैं तब भी नहीं डालूंगा। मर जान दो आरसी को चाहे, खत्म। एक रेज, दो बाड़कों वाले बेस पे,
दो फ्री स्वैग हो गई हैं। बट यार वो मेरे को जायंट बॉम्ब का बड़ा दुख हुआ, जैसे मैंने बोला जायंट बॉम्ब आ जाए नमा, तभी की तभी जायंट बॉम्ब टपक गया नमा, ये बेस तो गया नमा। वॉर के हालात गाइस कुछ ऐसे हैं, थोड़ी देर बाद 50 अटैक के हमने 116 स्टार मार दिए हैं। यहाँ पे चार बेसिस के ऊपर 96, 99, 93 और मेरा एक अटैक 97 जो आपने देखा ही था, ये रह गया। बाकी यहाँ पे सारे बेस उड़ा दिए गए हैं, सिर्फ नीचे के बेसिस बचे हुए हैं, इनको उड़ा दिया रहेगा तो लगभग हम 146 स्टार मार देंगे। हारने का कोई चांस यहाँ पे नहीं हो सकता, इन चारों बेसिस को भी मार दे रहा है, 150 स्टार मार दे रहा है, पर ये वॉर तो भाई साहब हम हारेंगे नहीं। 6 की है, 7 की हो जाएगी, 8वीं शायद हम लाइव स्ट्रीम करेंगे और आज की वीडियो में रहेगा इतना। अगर आप चाहते हो लाइव स्ट्रीम करें अगला वॉर हम 50 vs 50 का, तो इस वीडियो पे 10,000 लाइक कर दे रहा, ठीक है, मैं उसको लाइव स्ट्रीम कर दूंगा। और बस आज की वीडियो में रहेगा इतना ही, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी। बाय।